मुरादाबाद के थाना पागवाड़ा क्षेत्र में 2 महीने पूर्व हुए शिक्षक हत्याकांड मामले में आज परिजनों ने एक जुलूस की शक्ल में एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना पागवाड़ा क्षेत्र के गुरेटा निवासी अशोक चौधरी की 2 महीने पूर्व संदिग्ध हत्या के बाद से मचे बवाल के बाद आज मृतक के परिजन अपने रिश्तेदारों के साथ सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में जमा हुए और एक जुलूस की शक्ल में अपना पुलिस के खिलाफ विरोध जताते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचे। ये पीड़ित परिजन अपने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए थे। इन्होंने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र भी सौंपा और जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। मृतक के भाई अमरदीप ने बताया कि वो लोग सभी आला अधिकारियों के पास जाकर न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद अभी तक किसी आरोपी को पकड़ा नहीं गया। वहीं पीड़ित परिवार की महिला ने इस मामले में किसी सत्तारूढ़ पार्टी के नेता की संलिप्तता जताई है। एसएसपी से शिकायत करने के बाद पीड़ित परिवार डीएम कार्यालय भी पहुंचा और अपनी बात रखी। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि पूरे घटनाक्रम को वे स्वयं देख रहे हैं, जांच चल रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अमरजीत सिंह किस तरह का आज एसएसपी से मिले हैं, किन मांगों को लेकर मिले हैं, क्या पूरी घटना है? घटना पूरी है कि 3 अगस्त की रात को बड़े भाई अशोक चौधरी पर जो है जानलेवा हमला हुआ। इलाज के दौरान उनकी साई हॉस्पिटल में जो है डेथ हो गई थी। उसके बाद से 2 महीने से ज़्यादा का भी समय बीत गया है और हम थाने भी गए, उससे पहले भी कप्तान साहब से 3 बार मिल चुके हैं, बाकी आला अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। तो बस वो समझा देते हैं कि जांच चल रही है। उसके अलावा अभी तक ना तो पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई हमें लगता है कि की है और ना ही कुछ उसका रिजल्ट निकला है। आज किन किन अधिकारियों से आपका मिलना हुआ है अमृतबाद में? अभी हम कप्तान साहब से मिले हैं, डीएम साहब से मिलेंगे। कप्तान साहब से आप मिले हैं, परिवार मिला है, क्या आश्वासन कप्तान साहब द्वारा दिया गया आपको? वही कि जांच चल रही है। तो क्या चाहते हैं आप इसमें? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो। 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और सभी अधिकारियों से हम कह चुके हैं इस चीज़ को, बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि बस जांच चल रही है, खुलासा हो जाएगा, जांच चल रही है, खुलासा हो जाएगा। कब खुलासा होगा इस बारे में जो है अभी तक तो नहीं है। 5-2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं प्रशासन के। हाँ, प्रशासन के पास चक्कर लगा रहे हैं। थाने हम हर दूसरे तीसरे दिन हम थाने जा रहे हैं, थाने जाके भी पता करते हैं। एसपी साहब से कई बार मिल चुके हैं, एसपी सिटी साहब से मिल चुके हैं, सीओआई पे जो इनसे पहले सीओआई पे थे उनसे मिल चुके हैं, जो अभी सीओ साहब आए हैं उनसे भी मिल चुके हैं। कल आप पागबड़े थाने पर भी गए थे, काफ़ी संख्या में लोग थे, पागबड़ा थाने गए थे कल आप, तो वहाँ रजनी द्विवेदी जी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था आपको? बस सभी का यही एक ही कहना है कि जाँच चल रही है। तो इसमें भाजपा नेता का क्या नाम आ रहा है जो आप? भाजपा नेता मीडिया में खबर थी कि एक भाजपा नेता संलिप्त है इसमें। ये पुलिस के आधार पे हो सकता है या मीडिया का जो भी उनका जो भी सोर्स रहा होगा, तो एक भाजपा नेता के उसमें नाम आया है। पुलिस ने, मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कोई कार्रवाई की। भाजपा नेता का जी कांड को लेकर परिजन आपसे मिले हैं, क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और उसमें कोई जो भी उन्होंने बताया था कि इसमें एसओजी और सर्विलांस लगाया जाए ऑलरेडी लगी हुई है, तो उनके सामने ऑप्शन भी रखा गया है कि अगर वो चाहते हैं कहीं और से इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कराना तो भी बता दिया। सर क्या मांगे हैं उनकी लेकर के हत्याकांड को लेकर के? वर्कआउट करने का है मामला, तो हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं और जबकि इसमें कोई प्रगति होगी तो बताएंगे।